हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, आप देख सकते हो, और मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। और ये बोर्ड है ब्रांडेड आसुस का बोर्ड है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आसुस का नेम है। और इस बोर्ड में हम बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हम इसमें एड ऑन करते हैं। ये आप स्लॉट देख पा रहे हो, यहाँ पर ये दो येलो कलर के जो स्लॉट हैं, इसमें हम रैम को एड ऑन करते हैं। यहाँ पर हम रैम यूज करते हैं इस लैपटॉप के साइड, और ये जो ये स्लॉट होती है, इसमें हम प्रोसेसर ऐड करते हैं यहाँ पर। और ये स्लॉट पीसीआई स्लॉट के लिए होती है, ये एक्स्ट्रा के लिए। और इस बोर्ड के इनसाइड आप देख पाओगे यहाँ पर एक 1 2 3 4, ये साटा की पोर्ट्स हैं। हम इसमें सॉरी हार्ड डिस्क एंड डीवीडी राइटर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो ये है फ्रंट पैनल है यहाँ पर, और यूएसबी यहाँ पर इजिली मैंशन भी है, USB 7.0 लाइक डेट एंड एवरीथिंग इज मैंशन देयर। एंड अब इसमें कैपेसिटर्स हैं, और ये इसका बैक पैनल है यहाँ पर, इसमें हम यूएसबी यूज करते हैं यहाँ पर। ये 4 USB अवेलेबल है यहाँ पर, ये लैन केबल है यहाँ, और ये प्रिंटर के लिए अवेलेबल है। और ये ब्रांडेड आसुस का बोर्ड है। ये इसकी जो परफॉर्मेंस होती है रियली वेरी गुड होती है कंपेयर टू द अदर चाइनीज चाइनीज बोर्ड। और आप देख सकते हो ये इसमें आईडी भी अवेलेबल है, आईडी स्लॉट भी अवेलेबल थी इसमें, और ये भी। और लर्निंग पर्पज से हम कह सकते हैं कि इस बोर्ड में देख सकते हो कि कंप्यूटर के अंदर किस तरह से मदरबोर्ड होता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड के अंदर, जैसे प्रोसेसर हुआ, रैम स्लॉट हुई, लाइक डेट। सिमिलर लैपटॉप के बोर्ड में भी होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।